नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार और मेरे इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आप अभी देखेंगे कि शाला दर्शन पोर्टल जो प्रारंभिक शिक्षा में चलता है शाला दर्शन, उस पर एक नया फीडिंग कार्य जो अपने स्कूल लॉगिन पर आया है, जिसमें आपको आधार कार्ड जो पिछले साल आप एंटर किए हैं 1 से 5 क्लासों या 1 से 8 क्लास बच्चों के, तो उनको अपडेट करने के लिए एक नया जो फीडिंग कार्य SSA द्वारा अभी जनरेट हुआ है। तो इसमें अपने स्कूल लॉगिन ID पर जो है, तो अपन उसको किस तरह से उसको अपडेट किया जाएगा, ये अपन इस ट्यूटोरियल के माध्यम से देखेंगे। और ये अपडेट करना ज़रूरी है, प्रारंभिक शिक्षा के अंदर के प्रत्येक विद्यालय को ये अपडेट करना जरूरी है। तो आइए अपन देखते हैं इसको किस तरीके से अपडेट किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे शाला दर्शन पोर्टल को, यहाँ पर अपना स्कूल लॉगिन पर जाएंगे और स्कूल लॉगिन पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक विलेज स्कूल सेलेक्ट, और उसके बाद में जो लॉगिन नेम जो है आपका वो तो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे स्कूल सेलेक्ट करेंगे लॉगिन नेम आपका यहाँ पर दर्शा दिया जाएगा, और पासवर्ड डालने के बाद में कैप्सा फिलअप कर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने स्कूल जो आपका प्रोफाइल है उसकी डिटेल खुल जाएगी। इसमें स्कूल, इसके बाद में टीचर्स, स्टूडेंट और TA, और यहाँ पर आपका जो स्टूडेंट में है वहाँ पर विद्यार्थी आधार को अपडेट करें, ये जो ऑप्शन है आपके यहाँ पर खोलना है इसको। ये खुलने के बाद में यहाँ पर क्रम संख्या, बच्चे का नाम, उसकी क्लास, सेक्शन, नेम, DOB, डेट ऑफ बर्थ यानी फादर नेम और आधार नंबर, तो इसको अपन को यहाँ पर एक्शन लिखा हुआ है सेव, यानी कि इसको सेव करना है। अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो बच्चे से मंगा करके भी अपन को यहाँ पर लिख करके इसको सेव करना है। जैसे अपन इसको देखते हैं अपन कि किस तरीके से इसको सेव करने के बाद में, अगर ये आपका आधार नंबर सही लिखा हुआ है तो ये सेव कर लेगा, अपडेट कर लेगा, और अगर गलत होगा तो ये इसका रिएक्शन क्या बताता है। इसको सेव बटन पर क्लिक किया अपन ने, इसका मतलब आधार नंबर अपडेट, यानी कि ये आधार नंबर सही है। इसी तरीके से जो भी आधार नंबर नहीं लिखे हैं वहाँ पर अपन को बच्चों से मंगा करके फिल करने के बाद में, यहाँ पर फिल करने के बाद में आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इस सेकंड देखते हैं अपन, ये भी कंप्लीट है। ये इस तरीके से आपको सेव बटन पर क्लिक करने के बाद में इसको अपडेट करना है, ऊपर मैसेज में दर्शा दिया जाएगा। यहाँ पर प्रत्येक आधार नंबर को सेव बटन पर क्लिक करने के बाद में अपने को अपडेट करना है। इसको अपडेट करने के बाद में ये कंप्लीट बताएगा कि यहाँ पर ये समस्त जो भी आधार फिलअप किए हुए हैं, इसका मतलब आधार नंबर अपडेट करने के बाद में यहाँ पर ये मैसेज में बता रहा है कि कृपया सही आधार नंबर दर्ज करें। यहाँ पर जो आधार नंबर लिखा हुआ है वो गलत है, इसका मतलब ये हो सकता है कि अपन ने जब आधार मंगाया बच्चे का, तो हो सकता है छोटे बच्चे हैं तो वो अपने बड़े भैया का भी ला सकता है, या बड़ी छोटी बड़ी सिस्टर का भी ला सकता है, या किसी का भी आधार नंबर मंगाया बच्चे के हाथ में, गलत आधार आ गया तो उसने गलत ही नोट करके ले आया। तो इस तरीके से अपन को वही आधार अपन ने अगर चढ़ा दिया है तो यहाँ पर वो आधार को वेरिफिकेशन करना है, बच्चे का जो सही आधार है वही अपन को लिखना है। इसके लिए अपन ने फोटोकॉपी भी मंगाई होगी अपने, तो उस फोटोकॉपी के आधार पर जो उसमें जो आधार लिखा है वही आधार लिखकर यहाँ पर अपडेट करना है। तो इस तरीके से अपन को प्रत्येक बच्चे का आधार जो नहीं है उसका भी मंगा करके यहाँ पर अपडेट करना है। तो ये कोई आदेश के तहत नहीं है, ये SSA ने एक बार निर्देश जारी कर दिए, इसका न तो अपने ऊपर आदेश आता है, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि सब समस्त काम ऑनलाइन होने के बाद में ये सारी चीज़ें अपन को इस जो अपना विद्यालय का पोर्टल है उसमें ही मिलेंगी। तो
इस तरीके से इसको अपन अपडेट कर सकते हैं आसानी से। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले मित्रों। ओके।